हाय व्यूअर्स, वेलकम टू बेस्टी। क्या आप जानते हैं सिर्फ यूएस में लगभग 10% लोग डायबिटीज से पीड़ित हैं? पास्ता, बर्गर और टेस्टी मिठाइयों जैसे हाई कार्ब फूड्स के इतने सारे ऑप्शंस के साथ पिछले 30 वर्षों में डायबिटिक्स की संख्या में काफी वृद्धि हुई है। इस बीमारी को नियंत्रित करने की कुंजी एक स्वस्थ जीवन शैली का चयन करना है, जिसमें फिजिकल एक्टिविटी और खाने पर ध्यान देने जैसी चीजें शामिल हैं। और एक डायबिटिक व्यक्ति के लिए बैलेंस्ड मील प्लान का पता लगाना कठिन हो सकता है। पत्तेदार साग, फल और प्रोटीन से भरपूर आहार वास्तव में सही विकल्प है। लक्षणों के अनुभव करने पर या इस समस्या से डायग्नोस होने पर जानें ऐसे खाद्य पदार्थों को जो इसे नियंत्रित करने में मदद कर सकते हैं। पहला, बीन्स। बीन्स और फलियां अक्सर कम आंकी जाती हैं, लेकिन ये मधुमेह रोगियों के लिए एक सुपर फूड है। फाइबर का एक अद्भुत स्रोत होने के साथ ये एंटीऑक्सीडेंट और न्यूट्रिएंट्स से भरपूर होती हैं। ये न केवल ब्लड शुगर को मेंटेन करती हैं, बल्कि हार्ट को हेल्दी रखने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि आधे कप बीन्स में बगैर कोई सैचुरेटेड फैट के 28.35 ग्राम मीट प्रोटीन होता है। इसमें पाचन प्रक्रिया को धीमा करके हाई ग्लाइसीमिक इंडेक्स फूड के प्रभाव को कम करने की क्षमता भी होती है। ये सब आपके ब्लड शुगर लेवल्स को लंबे समय तक बनाए रखने में मदद करता है। आपने भोजन में क्या बदलाव किया जिससे आपको डायबिटीज को रोकने या नियंत्रित करने में मदद मिली? नीचे कमेंट्स में हमें बताएं। दूसरा, फैटी फिश। सैल्मन, सार्डिन्स, हेरिंग, एनकॉइव्स और मैकरेल जैसी फैटी फिश धरती पर सबसे हेल्दीएस्ट फूड्स मानी जाती हैं। ये ओमेगा 3 फैटी एसिड्स और विटामिन डी से भरपूर होती हैं, जो दिल, हड्डियाँ, नसें और आँखों के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक हैं। अपने सिस्टम में इन हेल्दी फैट्स को नियमित रूप से लेना मधुमेह से पीड़ित लोगों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, जिन्हें स्ट्रोक या हृदय रोग का खतरा है। ये न्यूट्रिएंट्स इन्फ्लेमेशन कम करते हैं और ब्लड वेसल्स की रक्षा करते हैं। आप इसे बेक, स्टीम, ग्रिल, रोस्ट या अपनी पसंदीदा सब्जियों के साथ भी पेयर अप कर सकते हैं। तीसरा, अखरोट। क्या आप जानते हैं कि चीन के बाद यूएस अखरोट का दुनिया में सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है? केक में इसके डिलिशियस स्वाद के अलावा एनर्जी बार, चॉकलेट और मफिन में अखरोट अपने रिच न्यूट्रिएंट के लिए जाना जाता है। ये प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट्स के बेस्ट नेचुरल सोर्सेज में से एक है। ये गठिया और मधुमेह जैसी पुरानी स्थितियों की रोकथाम और मैनेजमेंट में मदद करता है। अखरोट इंसुलिन के खिलाफ रेजिस्टेंस बनाने में मदद करता है और शरीर में ब्लड ग्लूकोज लेवल को बनाए रखता है। कम ग्लाइसीमिक इंडेक्स स्कोर और डाइट्री फाइबर से भरपूर होने के कारण ये आपके पेट में पचने में अधिक समय लेता है। ये धीरे धीरे ब्लड स्ट्रीम में शुगर छोड़ता है। डायबिटीज हो या ना हो, अखरोट आपके खाने और शेक्स को डिलिशियस और हेल्दी बनाता है। चौथा, एवोकाडो। एवोकाडो एक स्वस्थ भोजन विकल्प के रूप में इन दिनों मुख्य बन गया है। नाशपाती के आकार का ये सदाबहार फल प्रचुर मात्रा में न्यूट्रिएंट्स से भरपूर होता है और संभवतः गुड फैट वाले फलों में से एक है। सोडियम, चीनी और कोलेस्ट्रॉल ना होने के कारण ये मधुमेह रोगियों के बीच लोकप्रिय हो गया है। एवोकाडो का ग्लाइसीमिक इंडेक्स लगभग 0 होता है और इसमें चीनी नहीं होती। ये ब्लड ग्लूकोज लेवल की समस्या झेलने वालों के साथ साथ वजन कम करने वाले लोगों के लिए एकदम सही भोजन है। अपने सलाद, सैंडविच या सब्जियों के लिए एक दिन में एक एवोकाडो लें और अंतर देखें। पांचवा, अंडे। बचपन से हमें अंडे के कई स्वास्थ्य लाभों के बारे में सिखाया गया है। ये शायद पहला ऐसा खाद्य पदार्थ होगा जिसे हम में से कई लोगों ने बनाना सीखा हो। ये न केवल हाई प्रोटीन का डायरेक्ट सोर्स है, बल्कि इनमें एंटीऑक्सीडेंट्स और ओमेगा 3 फैटी एसिड्स भी होते हैं, जो इन्हें हर डायबिटिक के लिए वैल्यूएबल बनाते हैं। एक हेल्दी और बैलेंस्ड डाइट बनाए रखने के लिए आप एक दिन में एक अंडा तो खा ही सकते हैं, क्योंकि इनमें ग्लाइसीमिक इंडेक्स और कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम होती है। ये डायबिटीज को मैनेज करने के लिए एक सस्ता, आसानी से उपलब्ध और फ्लेक्सिबल फूड ऑप्शन है। एवोकाडो एक्टोस्ट आजमा कर देख लीजिए। छठा, चिया सीड्स। एक पॉपुलर सुपर फूड, चिया सीड्स कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को कम और ओवरऑल गट हेल्थ में सुधार करने में मदद करते हैं। इन छोटे सीड्स में भरपूर मात्रा में फाइबर, कैल्शियम, जिंक और फास्फोरस होते हैं, जो इम्यून सिस्टम को हेल्दी रखने के लिए जरूरी हैं। स्मूदीज या सलाद में चिया सीड्स के 2 बड़े चम्मच मिलाने से आपका डाइजेशन रेट धीमा हो जाएगा और पेट भरे होने की भावना को बढ़ाकर ब्लड शुगर को बढ़ने से रोकेगा। अगर आप नियमित कसरत करते हैं और प्लांट रिच डाइट लेते हैं, तो आहार बदलना और चिया सीड्स को शामिल करना फायदेमंद होगा। सातवां, खट्टे फल। खट्टे फल हमेशा किसी भी पौष्टिक और स्वादिष्ट आहार योजना का एक प्रमुख हिस्सा रहे हैं। कई लोगों द्वारा अपने टैंगी टेस्ट के लिए पसंद किए जाने वाले खट्टे फल जैसे संतरे, नींबू, चकोतरे, अनन्नास, ये बहुत से स्वास्थ्य लाभों के लिए भी खाए जाते हैं। ये एक वेल एस्टैब्लिश्ड फैक्ट है कि ये फल विटामिन सी, डाइट्री फाइबर्स, फॉस्फोरस, जीरो कोलेस्ट्रॉल और कई दूसरे मिनरल्स से भरपूर होते हैं। तो ये डायबिटीज नियंत्रित करने में कैसे मदद करते हैं?
अगर आपको हाई शुगर की समस्या है तो आपके लिए फल खाना महत्वपूर्ण है बजाय एक ग्लास जूस पीने के, जिससे ब्लड शुगर लेवल्स बढ़ सकते हैं। फल में प्राकृतिक फाइबर होते हैं जो पाचन प्रक्रिया को धीमा करते हैं और आपको लंबे समय तक भरा महसूस कराते हैं। अगली बार जब भी आपको भोजन के बीच में चबाने का मन हो तो चिप्स की जगह कुछ फल खाएं। आठवां, शकरकंद। स्वीट पोटैटो कैसरोल एक बहुत ही पौष्टिक रेसिपी है। अगर आप रेगुलर फ्राइज की जगह स्वीट पोटैटो फ्राइज पसंद करते हैं तो आप एक स्वस्थ जीवन शैली के लिए सही रास्ते पर हैं। ये न केवल भोजन को स्वादिष्ट और फ्लेवरफुल बनाते हैं, बल्कि ये रिच न्यूट्रिएंट्स और कई स्वास्थ्य लाभों से भी भरे होते हैं। डायबिटीज को नियंत्रित करने के लिए कुछ मीठा शामिल करने का विचार अजीब लगता है, लेकिन इनकी रैंकिंग ग्लाइसीमिक इंडेक्स पर बहुत कम होती है। इनमें विटामिन ए भी होता है, जो सब्जी को नारंगी रंग के साथ साथ विटामिन सी भी देता है, जो स्ट्रॉन्ग इम्यून सिस्टम को विकसित करने के लिए फायदेमंद होता है। इनमें पाया जाने वाला आयरन एक और महत्वपूर्ण तत्व है, जो रेड ब्लड सेल्स को ऑक्सीजन प्रोड्यूस करने में सक्षम बनाता है। ये एक ऑलराउंडर है। वैसे क्या आप कुछ एक्स्ट्रा किलोस कम करने की सोच रहे हैं? तो देखें ये वीडियो, पुरुषों के लिए 17 वजन घटाने वाले खाद्य पदार्थ। अब वापस आते हैं डायबिटीज को नियंत्रित करने वाले उन खाद्य पदार्थों की ओर। नवा, ग्रीक योगर्ट। दही दुनिया भर में खाए जाने वाले सबसे लोकप्रिय डेयरी उत्पादों में से एक है। ग्रीक योगर्ट के बिना कोई भी हेल्दी स्मूदी पूरी नहीं होती, जिसमें नॉर्मल दही की तुलना में कम चीनी और ज्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं। इस अद्भुत प्रोबायोटिक भोजन की एक सर्विंग नॉर्मल दही के 3 सर्विंग के बराबर होती है और इसमें ज्यादा प्रोटीन होता है। इसे तैयार करने के दौरान एक्स्ट्रा पानी निकाल दिया जाता है, जिससे ये दूसरी दही की तुलना में लगभग 1/3 कार्ब्स के साथ थिक प्रोटीन रिच प्रोडक्ट बनता है। इसमें लैक्टोज का स्तर भी कम होता है, जिससे इसे पचाना आसान हो जाता है, खासकर लैक्टोज इंटॉलरेंस वाले लोगों के लिए। अगर आप डायबिटीज ठीक करना चाहते हैं तो जब भी संभव हो ग्रीक योगर्ट लें। 10वां, ब्रोकली। बच्चों और बड़ों के बीच सबसे कम पसंदीदा सब्जी होने के लिए प्रसिद्ध, ब्रोकली एंटीऑक्सीडेंट, मिनरल्स और विटामिन से भरपूर होती है। ये सभी के लिए पौष्टिक खाद्य पदार्थों में से एक है और मधुमेह रोगियों के लिए एक सुपर फूड है। इसमें विटामिन ए और सी जैसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो इंसुलिन लेवल्स को कम और सेल डैमेज से सुरक्षा करते हैं। ब्रोकली ग्लूकोज टॉलरेंस में सुधार करने के साथ लिवर में इसके प्रोडक्शन को सीमित करती है। ये छोटे हरे फूल कैलोरी और कार्बोहाइड्रेट में बेहद कम होते हैं, जिससे ये डायबिटिक लोगों के लिए एक अच्छा विकल्प बनते हैं। साथ ही ब्रोकली आंखों की बीमारी के बचाव के लिए भी जरूरी है। शायद समय आ गया है ब्रोकली को शामिल कर अपने खाने में बदलाव करने का। 11वां, ऑलिव ऑयल। ऑलिव ऑयल मेडिटेरेनियन डाइट का आधार है। त्वचा और बालों के स्वास्थ्य को बाहर से बढ़ाने से लेकर हर दिन इस तेल के नए नए फायदे खोजे जा रहे हैं। ये अंदर से भी बेहद फायदेमंद है। ये डायबिटीज को नियंत्रित और हृदय संबंधी समस्याओं के जोखिम को कम कर सकता है। पृथ्वी पर हेल्दीएस्ट फैट माना जाने वाला ये तेल हर तरह के व्यंजन के साथ जा सकता है। सैचुरेटेड फैट्स में कम सोल्यूबल फाइबर से भरपूर और उच्च एंटीऑक्सीडेंट्स के साथ ऑलिव ऑयल डायबिटीज या हाई ब्लड प्रेशर के परिणाम स्वरूप होने वाली जटिलताओं के जोखिम को कम करने में मदद करता है। सारे खाने को इस तेल में पकाना या इसे सलाद में शामिल करना स्वस्थ रहने की दिशा में आपका पहला कदम हो सकता है। 12वां, स्ट्रॉबेरीज। इसका ग्लाइसीमिक इंडेक्स कम है, तो मधुमेह रोगी हेल्दी हार्ट के लिए स्ट्रॉबेरी खा सकते हैं। इस समस्या से पीड़ित लोगों के लिए ये जरूरी है कि वो न केवल अपने द्वारा खाए जा रहे कार्ब्स की मात्रा, बल्कि कार्ब्स के प्रकार पर भी नजर रखें। स्ट्रॉबेरी ब्लड स्ट्रीम में बहुत धीरे धीरे कार्बोहाइड्रेट छोड़ती है, जो ब्लड शुगर लेवल को बनाए रखता है। विटामिन सी की उपस्थिति ब्लड शुगर लेवल में अचानक बढ़त को कम करने में मदद करती है और इंसुलिन रेजिस्टेंस में भी सुधार करती है। फल स्वस्थ भोजन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, लेकिन कुछ ग्लाइसीमिक इंडेक्स में अधिक होते हैं जबकि कुछ नहीं। और जैसा मैंने कहा, स्ट्रॉबेरी लोअर ग्लाइसीमिक इंडेक्स कैटेगरी में आती है। अपनी डायबिटीज को नियंत्रित रखने के लिए आप कैसा मील प्लान फॉलो करते हैं? बैलेंस्ड मील के लिए आपका फॉर्मूला क्या है, हमें कमेंट्स में बताएं। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक शेयर करें, साथ ही बेस्टी को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।